नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो रैपिड वेट लॉस करना चाहते हैं। अब रैपिड वेट लॉस करने से उनके बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। रैपिड वेट लॉस से क्या होगा, आपके जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जैसे कि विटामिन्स हो गया, विटामिन B12 हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी अगर आप रैपिड वेट लॉस करना करते हैं तो। ये सारी चीज़ें भी जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये लॉस होंगे तो आप कैसे दिखोगे, आपकी बॉडी कैसे दिखेगी, आप बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे, आपका फेस कैसा दिखेगा, आपका फेस जो होगा वो डल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वेट लॉस करें पर एक सिम्टोमेटिक वे से करें। अगर आप चाहते हैं कि एक महीने में आप अगर 5 किलो वेट कम करना चाहते हैं, लॉस करना चाहते हैं, तो उससे आप ही सफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो अगर लॉस हो रहे हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बॉडी में, कोई ना कोई बीमारी जो है वो घर कर जाती है हमारे बॉडी के अंदर। हमें पता भी नहीं लगता है कि हमने वेट लॉस किया है, 5 kg एक महीने में इतना जल्दी वेट लॉस कर दिया कि हमारी बॉडी में अदर कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो गई। वो आप खुद भी फील नहीं कर पाओगे जब तक बॉडी सिम्टम्स देना स्टार्ट नहीं करती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक सिम्टोमेटिक वे से वेट लॉस करिए। ज़्यादा ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा के आप वेट लॉस करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाएंगे उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी उतना ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठा पा रही है, तो उससे भी आपकी बॉडी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ही आएंगे। आपकी बॉडी कमज़ोर होगी, आप खुद कमज़ोर फील करोगे, लेथार्जी फील करोगे, आपको हमेशा नींद आएगा, आपका मन जो होगा वो काम पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया है अपने वेट लॉस को कम करने के चक्कर में। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो अपने डाइट पे थोड़ा सा फोकस करिए। ऐसा भी नहीं कि आप हैवी वेट यूज़ करिए और साथ साथ में आप डाइटिंग करिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा फोकस आप वेट लॉस करने में ही हैं, यानी कि आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, 2-2, 3-3 घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हो और पूरा डाइट पर फोकस कर रहे हो कि नहीं आपको डाइटिंग ही करना है जिससे आपका वेट लॉस हो। नहीं, ऐसा नहीं करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ही कॉम्प्लिकेशन होगा, ना कि किसी और को कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो आपको क्या करना है कि छोटे मोटे एक्सरसाइज करिए, इतना ही वेट उठाइए जितनी बॉडी आपको एक्सेप्ट करे, जितना बॉडी आपको कहे कि हाँ आप इतना वेट उठा सकते हैं उतना ही वेट उठाइए। साथ में आप डाइट फॉलो करिए, पर ऐसा नहीं कि आप सब कुछ खाना बंद कर दीजिए। आपको अपनी डाइट में कार्ब्स हटाना है, फैट हटाना है, पर प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्या होती है, हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं, उनको फिलअप करने के लिए हमें प्रोटीन लेना होता है। पर इतना भी प्रोटीन मत ले लीजिए कि आगे चल के आपको कोई फर्दर डिजीज़ हो, तो प्रोटीन को भी आपको बैलेंस में लेके चलना है। साथ ही साथ आप फ्रूट्स खाइए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके अगर चाहते हैं वेट लॉस करना तो धीरे धीरे ही आप अपना वेट लॉस करिए, रैपिड वेट लॉस मत करिए। अगर आप रैपिड वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके बॉडी में और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, खासकर फीमेल्स में क्या आ सकता है, उनके जो हार्मोन्स होंगे वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पीरियड्स जो होंगे वो इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को कि रैपिड वेट लॉस मत करिए। वेट लॉस जिनको करना है वो धीरे धीरे करके वेट लॉस करिए। अगर आप एक महीने में 2 या 3 kg ही वेट लूज़ कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत सही है। अगर आप यही चाहते हैं कि एक महीने में 5 या 6 kg वेट मेरा कम हो जाए तो आपके लिए ही नुकसान है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है जो रैपिड वेट लॉस करना चाहते हैं। अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन रखिए, बाहर के फास्ट फूड वगैरह खाना बंद कर दीजिए, पैक फूड हो गए, पैक जूस हो गए, ये सारी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। जब आप हेल्दी डाइट लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका वेट जो होगा वो अपने आप मेंटेन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज मना नहीं है। आप एक्सरसाइज में योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा से भी आपका वेट लॉस हो सकता है। अगर आप वर्कआउट ही करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, तो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही ऐसा वेट लिफ्टिंग करिए कि जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे, ज़्यादा नहीं।
इससे आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो मैं उनका भारत होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आप उसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आप उसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं, पर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप उसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।